जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए, आपके लिए बड़ी भर्ती लॉज या आ गई एक और बड़ी भर्ती। इसके अंदर 4500 प्लस पद रहेंगे। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, संपूर्ण सिलेबस इसके अंदर डिटेली जानेंगे, परीक्षा कब होगी वो भी जानेंगे। ए टू जेड संपूर्ण प्रोसेस बता दूंगा, पूरा पीडीएफ आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ए टू जेड इसके अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट नोट्स वगैरह चाहिए वो प्ले स्टोर पर जाके ओआर जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। इस भर्ती के रिलेटिव सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे के अंदर, बड़ी भर्ती आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर बड़ी भर्ती जो आप सभी को देखने को यहाँ पे मिली है, इसके अंदर कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे वो जानकारी देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसके अंदर आपका ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपका 15/4 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्लोजिंग डेट आपकी जो 14/5 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अंदर आपका फॉर्म फीस कटाने का आपका इसके अंदर आपका देख सकते हैं जो आपका मॉडिफिकेशन विंडो जो आपका रहेगा 15/5 से 24/5 तक रहेगा। इसके अंदर देख सकते हैं कांस्टेबल एक्स के लिए यहाँ पे लेवल 3 की 21,700 सैलरी है और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, 18 से 28 साल इसके अंदर आयु है। टोटल वैकेंसी 4208 है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है, वो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इस पर डिटेली चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वो भी ओपन करके बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं आपकी एज वगैरह, बेसिक जानकारी मैंने आपको पहले दे ही दी है। इसके अलावा एज आपके लिए यहाँ पे आफ्टर एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 जो होगी वो होने वाली है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे दे रखा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग पर आंसर होगी। इसके अलावा CBT एग्ज़ाम जो करवाया जाएगा वो इसके अंदर CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात करते हैं आइटम, इसके अंदर आपको लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी वगैरह सब कुछ इसके अंदर एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, वो आपके लिए इसके अंदर बैन है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या कुछ खास है, इसके अंदर आपको वेबसाइट के ऊपर सारे बायोडाटा दे ही रखा है, उसके अंदर फिर भी मैं इसके अंदर समझा ही देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके अंदर कांस्टेबल का 18 से 25 साल की एज दे रखी है। इसके अलावा इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अलावा जो कैटेगरी छूट मिलती है उसको 3 साल 5 साल की छूट भी दे रखी है। SC ST OBC के लिए अलग अलग क्या कुछ छूट है वो इसके अंदर उपलब्ध करवाई हुई है, ठीक है। 18 से 28 साल की इसके अंदर एज दे रखी है। सारी इसके अंदर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर, तो आपकी मिनिमम इसके अंदर 12th पास हो जो होनी चाहिए। इसके अंदर CET वगैरह कुछ लागू है नहीं, किसी भी बोर्ड मान्यता पर आप बोर्ड से आपके यहाँ पे 12th पास जो होना चाहिए वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म भरने की फ़ीस जो आपकी 500 रुपये और 250 रुपये जो फीस लगने वाली हो है, इसके अलावा आपकी रिफंड जब की जाएगी 250 रुपये की फीस है, वापस रिफंड तब होगी जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम बैठ जाएंगे, आप अटेंडेंस लगा देंगे, यस कर देंगे, तभी आपको फीस रिफंड होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और बात करते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है क्या नहीं है, ए टू जेड सारी बात करूंगा मैं। इसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको रिटर्न प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, इसके अंदर बता दूं आपको 90 मिनट का तो टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट मार्क्स ईच आंसर मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर क्वेश्चन ऑफ नो अटेम्प्ट, ठीक है। जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, ये भी इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, शिफ्ट वाइज CBT टेस्ट होगा, इसके अंदर मल्टीपल शिफ्ट होगी। इसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपकी AWS RS और इसके अंदर 35% और 30% जो रखी गई है वो आप देख सकते हैं। सिलेबस CBT के लिए आपको अर्थमेटिक जो आपकी 35 मार्क्स की आएगी, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आपकी 35 नंबर की आएगी। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आएगी वो आपकी इसके अंदर जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आएगी। ये सब इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो फिजिकल जो होने वाला है ये टॉपिक्स वाइज दे रखा है, टॉपिक भी दे रखा है। टॉपिक आप पढ़ना चाहो तो टेलीग्राम पर लिंक भेज दूंगा, पूरा PDF डाउनलोड कर लेना, वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या कुछ खास है वो बता देता हूँ आपको। देखो इसके अंदर बात करते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या खास है क्या नहीं है। देखो फिजिकल की बात करें आपके लिए तो यहाँ पे आपको कांस्टेबल मेल के लिए आप फिजिकल है 1600 मीटर दौड़े 4:45 में, आपको इसके अंदर जो आपका रनिंग करनी है 800 मीटर 3:03:40 के अंदर लड़कियों के लिए, और लॉन्ग जंप और हाइट जंप है आपकी इसके अंदर, लॉन्ग जंप 9 फीट तो लड़कियों के लिए 14 फीट आपके लड़कों के लिए, हाइट जंप आपके 4 फीट लड़कों के लिए 3 फीट लड़कियों के लिए ये जंप दे रखा है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी हाइट वगैरह देख सकते हैं, 165 आपकी OBC EWS और जनरल की कैटेगरी के लिए है,
फीमेल के लिए 157 है, इसके लिए एससी एसटी की बात करें 160 है, 152 है लड़कियों के लिए। इसके अलावा अदर कैटेगरी वाइज सबके लिए आपके 163 दे रखी है, लड़कियों के लिए 155 दे रखी है। इसके अंदर चेस्ट की बात करें, इसके अंदर आपकी लड़कियों के कोई चेस्ट नहीं मापा जाता और ओनली मेंस के लिए है, 80 होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर 76.5 होगा तो भी चलेगा, इसके अंदर फुलाव इतना होना चाहिए, ठीक है, 5 सेमी फुलाव होना चाहिए। ये सारे इसके अंदर जानकारी, बेसिक जानकारी जो फिजिकल की है वो भी मैंने आपको दे दी। ये कॉन्स्टेबल की जानकारी थी, अब इसके अंदर देखेंगे आगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो आगे की प्रोसेस है। मेन जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा जो नोटिफिकेशन आपका सब इंस्पेक्टर के लिए वो बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपके ये नोटिफिकेशन स्पेशली जारी हो रखा है, आपका सेम डेट को फॉर्म भरा जाएगा, 18 से 28 साल तक आयु है, 452 सीटें हैं, 35,000 सैलरी है लेवल 6 की। इसके अंदर आपके सब इंस्पेक्टर एक्स की इसके अंदर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वो सेम ही है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफाई और नॉट एलिजिबल अप्लाई, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफाई आपका अप्लाई, ग्रेजुएशन पास तो होना ही चाहिए मिनिमम। इसके अलावा इसके अंदर आपकी आफ्टर वगैरह वो दे रखी है, जनरल इंट्रैक्शन दे का वो आप देखना चाहो देख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर और क्या कुछ खास है वो आपको सारी बात बताई देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो एज वगैरह दे रखी है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है वो देख सकते हो। इसके अलावा एज ग्रुप आपके इसके अंदर देख सकते हो, पूरा कंप्लीट बताया हुआ है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर, तो आपका मिनिमम आपका ग्रेजुएशन पास आपका इसके अंदर होना चाहिए, इसके बगैर आप इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा पाओगे, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करें इसके अंदर, एग्जामिनेशन फीस जो आपकी 500 रुपये और 250 रुपये जो लगने वाली है वो कांस्टेबल वाली सेम ही फीस लगेगी। एग्ज़ाम जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या डिफरेंस है वो मेन चीज़ जानना ज़रूरी है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या डिफरेंस है वो जानना ज़रूरी है, वो जानते हैं सबसे पहले, तो उसी पे ले चलता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके अंदर भी आपको क्या कुछ रहेगा वो आप बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर CBT एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन होगा इसके अंदर, 1 मार्क्स आपका, 9 मार्क्स सेल भी आंसर्ड भी डेडिकेटेड, जिसका आंसर का आप नहीं देंगे उसका नहीं होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगा। और CBT एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ऑल शिफ्ट में होगा अलग अलग, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना भी वाजिब सी बात है। इसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें 35% और 30% SC ST के लिए ये दे रखा है। इसके अलावा CBT सिलेबस जो आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपका अर्थमेटिक जो आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा, GS आपका सॉरी रीजनिंग इसके अंदर 35 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का। ये सेम ही टेस्ट होगा जो आपका पुलिस के लिए हो रहा है, कॉन्स्टेबल के लिए हो रहा है, वही SI के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल में जो आपका एक सर्विसमैन के लिए छूट दे रखी है। इसके अलावा इसके अंदर फीमेल एक्स के लिए आपकी कोई दौड़ नहीं होगी, इसके अंदर ओनली मेल की होगी, 6.5 मिनट के लिए 1600 मीटर में। और इसके अंदर आपकी जो 4 मिनट का समय दिया जाएगा, 800 मीटर दौड़ करवाई जाएगी। लॉन्ग जब आपको 12 फीट इसके अंदर आपको मेल के लिए होगा, 9 फीट के लिए इसके अंदर महिला का होगा, 3.9 इंच जो आपका हाई जंप होगा लड़कों के लिए, 3 फुट आपका लड़कियों के लिए होगा, ठीक है। और इसके अंदर OBC जनरल EWS की बात करें, मेल की हाइट वगैरह वो सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके अंदर सेम चीज़ें आपको बतानी है, क्या बतानी क्या नहीं बतानी, ये जो बेसिक जानकारी जो होती है आपको मैंने बताने का काम किया है। कैसा लगा आपको, लाइक से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरी भर्ती के बारे में जानकारी दे दी, 4500+ मान के चलो आप, 4600+ आपकी इसके अंदर सीटें हैं, आप देख सकते हो। और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, संपूर्ण सिलेबस बता दिया, परीक्षा कब तक होगी वो भी बता दी। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।